धनतेरस का पर्व कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को मनाया जाता है। इस दिन खरीदारी करना बेहद शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार इस दिन खरीदारी से धन समृद्धि बढ़ती है। धनतेरस पर कुबेर देव की पूजा भी जरूर करनी चाहिए। दीपक के बिना दिवाली संभव ही नहीं है। धनतेरस पर ढेर सारे छोटे छोटे दीपक खरीदें। मिट्टी के 3 बड़े दीपक भी जरूर खरीदें। एक बड़ा मुख्य दीपक होगा जो माँ लक्ष्मी को समर्पित होगा। धन के लिए माँ लक्ष्मी और बुद्धि के लिए भगवान गणेश की उपासना की जाती है। धनतेरस के दिन ही इनकी मूर्तियाँ खरीद लें। लक्ष्मी गणेश की मूर्तियाँ खरीदते वक्त कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। भगवान गणेश की सूंड बाईं तरफ होनी चाहिए। लक्ष्मी जी कमल के पुष्प पर बैठी और उनके हाथों से धन गिर रहा हो। मूर्तियाँ बहुत बड़ी ना हो और मिट्टी की बनी हुई हो। गोमती चक्र एक विशेष प्रकार का पत्थर है। कौड़ी एक समुद्री जीव का एक खोल है। धन प्राप्ति के लिए और धन के रूप में इसका प्रयोग प्राचीन काल में होता रहा है। धनतेरस पर कम से कम 5 कौड़ी जरूर खरीदें। इससे अविवाहितों का विवाह होगा और कर्ज की समस्या से मुक्ति मिलेगी। चांदी समृद्धि की धातु मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि चांदी भगवान शिव के नेत्रों से प्रकट हुई है। धनतेरस के दिन चांदी खरीदना अत्यंत शुभ होता है और इसी चांदी की वस्तु से दिवाली का पूजन किया जाता है। जो भी चांदी की वस्तु दिवाली पर खरीदी जाती है उसे वर्ष भर सहेज कर रखा जाता है। झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। धनतेरस पर 2 झाड़ू जरूर खरीदें। इनका प्रयोग दिवाली की पूजा के बाद अगले दिन से करें। पुरानी झाड़ू को दिवाली के अगले दिन घर से बाहर कर दें। धनतेरस पर झाड़ू खरीदने से साल भर स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। घर से पुरानी झाड़ू निकाल देने से नकारात्मक ऊर्जा निकल जाएगी। आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें TV9 भारतवर्ष। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है? सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है। ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।